क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलते ही यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल हो गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में ओपीडी के बाहर लगी डिजिटल डिस्प्ले मशीनें करीब एक माह से बंद पड़ी हैं, जिससे ओपीडी के बाहर मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है और उन्हें अपनी बारी कब आएगी इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन ने रोगी कल्याण समिति के तहत हजारों रुपए खर्च कर करीब दो वर्ष पहले ओपीडी के बाहर दरवाजे के साथ करीब दो दर्जन डिजिटल डिस्प्ले मशीनें स्थापित की थी, ताकि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सुविधा मिले। डिजिटल डिस्प्ले मशीनों पर मरीजों की क्रम संख्या प्रदर्शित होती है, जिससे बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं ओपीडी के बाहर पास में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। जब से ये डिजिटल डिस्प्ले मशीनें खराब हुई हैं, ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। वहीं मरीजों को घंटों देर लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। उपचार के लिए आए मरीजों का कहना है कि जब से डिजिटल डिस्प्ले मशीनें खराब पड़ी हैं, उन्हें ओपीडी में उपचार करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि इन डिजिटल डिस्प्ले मशीनों को शीघ्र ठीक करवाया जाए। क्या जी, ओपीडी में एक ही डॉक्टर है, कब से बैठे हो आप? 10 बजे से बैठे हैं। नंबर ही बड़ा, वो भी कहाँ जनाब, एक डॉक्टर एक ने क्या करना होगा? आप जो हैं क्या, वो मशीनें जो खराब पड़ी हुई है, क्या नंबर नहीं पड़ रहा है इससे? नंबर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। आप कब से आए हुए यहाँ पर? हम 10 बजे से बैठे हुए। डिस्प्ले ठीक होता है, नंबर ठीक पड़ना था, टाइम भी पड़ना था। हाँ, यहाँ से जो होता है नंबर तो पता चल जाता कि किसका नंबर आ रहा है। यहाँ पर जो है पाइप की आवाज जो है उनको भी अंदर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा नहीं रहेगा। मुझे पता नहीं आया हूँ सीनियर सिटीजन वहाँ से, कहा कि यहाँ भी सीनियर सिटीजन लेके आया, बोला ये नंबर के हिसाब से चला है। सुबह से आए हैं सर, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है सर, यहाँ पे डिस्प्ले खराब है और हमें अपने नंबर का कोई पता नहीं चल रहा है। ये अपने जबरदस्ती अपने बंदे को अंदर कर रहे हैं। आपके मरीज को किस चीज़ को दिखाने के लाए यहाँ पे? मैं मरीज मरीज के लिए यहाँ पे, पहले उनको हार्ट अटैक का हुआ था, उसका चेकअप करवाना था, जो कि मतलब उनको प्रॉब्लम थी कोई इधर छाती में, तो उसके लिए मैं चेकअप करवाने उनको इधर लाया। तो आग गया है तो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, और कोई सिस्टम नहीं है सही तरीके। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि समस्या उनके ध्यान में अभी आई है, शीघ्र डिजिटल डिस्प्ले मशीनों को दुरुस्त करवाया जाएगा।